सभी को नमस्ते जी आज का हमारा जो जिस पर हम बातचीत करेंगे वो बहुत विशेष है जिसके कारण आज नौजवान परेशान हैं और बेचारे रोज़ मर मर के जी रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आज का विषय है इसको भाई अकेले में सुनना क्योंकि कुछ सीधे शब्दों का प्रयोग किया गया है मेरा उद्देश्य कोई अश्लीलता फैलाना नहीं है मैं तो ब्रह्मचर्य प्रिय हूँ लेकिन कुछ चीज़ें जो कि त्यों ही बतानी पड़ती हैं समझानी पड़ती हैं मेरे पास एक नौजवान लड़के का फ़ोन आता है और बेचारे को ये तो नहीं कहना आया कि जी मेरे अंदर उत्तेजना नहीं आती और जल्दी उत्तेजना ठंडी हो जाती है वो सीधे शब्दों में बोला जी मेरा खड़ा नहीं होता और खड़ा हो जाए तो जल्दी बैठ जाता है तो मैंने भी थोड़े सीधे शब्दों का प्रयोग कर दिया मैंने कहा भाई एक कोच यदि किसी नौजवान को अच्छा प्रैक्टिस करवा दे तो उसका गाथ टूट जाता उठा नहीं जाता और तूने तूने तो भाई इसको अपने हाथ की मुट्ठी में बीच कर न इतने साल रगड़े लगा दिए दिन देखा ना रात देखी सुबह देख्या ना शाम देखी और इतने रगड़े ला दिए इतने रगड़े ला दिए बेचारे की सारी नसनाड़ी तोड़गड़ी अरे कुकर उठ जाओगा अरे कहीं भी सुराख मिल गया ना वहीं फंसा दिया एक तो कह रहा था कि जो हमारे पत्थर का खरगोश था उसके नीचे सुराख था उसी में फंसाया करता कोई बोतल में फंसा दे कहीं सुराख मिल गया कहीं मुंदा लेट कर रगड़े लगा दे अरे इस बेचारा ने इतना रगड़ोगे तो ये कब तक इसमें सामर्थ्य रहोगा तो इसलिए आज जो इसका कारण है कि इसके अंदर उत्तेजना नहीं आती ये कारण है आपके स्वयं के किए कार्य तो इससे यदि बचना है तो सबसे पहले आपको ये कार्य छोड़ने होंगे लड़का बोले जी फिर इसका कोई इलाज पक्का इलाज बताओ मखा भाई इसके दो इलाज हैं एक इलाज तो वो है कि जो तुझे तुरंत लाभ देगा तुरंत तुझे उसका परिणाम दिखाई देगा लेकिन वो इलाज पक्का नहीं कच्चा है और एक इलाज वो है कि जो परिणाम पक्का देगा पक्का इलाज है पर उसका तुरंत आपको लाभ नहीं दिखाई देगा एक समय के बाद लाभ दिखाई देगा अब बताओ कौन सा देखना है आपने यदि और नहीं तो इसको एक उदाहरण से समझ ले जैसे अब सर्दी है सर्दी है तो आपको सर्दी लगी हुई है या तो आपके पास एक घास फूस है एक तिल्ली दिखाओ तुरंत तो घास फूस में आग लगेगी और पूरी अग्नि भड़क जाएगी एक बार तो पूरी अग्नि भड़क जाएगी लेकिन उसके बाद क्या थोड़ी देर में बिल्कुल फुस दे ही कुछ नहीं बिल्कुल राख खत्म हो जाएगा कुछ बचेगा नहीं वो एक बार की बस एकदम की वो एक अग्नि ही है और उसके बाद कुछ नहीं बचना ही है घास फूस से ठीक है ना तो इसलिए ये घास फूस वाली आग आपको लाभ नहीं देगी विशेष या फिर कोई मोटा लक्ड़ पड़ा है कि का उसको अग्नि पकड़ाओ वो धीरे धीरे अग्नि पकड़ेगा और बढ़ेगी उसकी अग्नि और फिर अंत में उसके कोयले भी बनेंगे तो ये तो घास फूस वाली है एक मोटे लकड़ वाली है अग्नि है दोनों अब इन दोनों अग्नियों में कौन सी अग्नि आपको चाहिए बोले जी लकड़ वाली तो मैंने कहा भाई सुनो इसका यदि आप इलाज चाहते हैं तो एक तो है इसका इलाज तत्काल लाभ देगा आपको लेकिन उसके बदले में हानि आओगी वो है डॉक्टरी इलाज जो आजकल डॉक्टर इन बच्चों को लूट रहे हैं ठग रहे हैं इनको बर्बाद कर रहे हैं और होना जाना कुछ नहीं बस डॉक्टर दवाई ली एक बार न करंट साजिवा जावे है एले दवाई लो तब तक करंट फिर करंट खत्म तो भाई ये डॉक्टरी इलाज तुम्हें स्थाई इलाज नहीं देगा ये तुम्हें कुछ समय का देगा और उसके बाद फिर वही और इसके साथ में साइड इफेक्ट भी होंगे तुम्हारे शुक्राणुओं पर प्रभाव पड़ेगा तुम्हारी संतान पर प्रभाव पड़ेगा और दूसरा इलाज है ब्रह्मचर्य का यदि आपने ब्रह्मचर्य पालन कर लिया तो आपको इसका लाभ तो दिखेगा धीरे धीरे लेकिन पक्का इलाज है इसका ब्रह्मचर्य बात आई जी कितने दिन में लाभ मिलेगा तो मैंने कहा भाई एक साल का ब्रह्मचर्य एक साल यदि अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन कर लिया आपने तो आपका जीवन आपका ब्रह्मचर्य बहुत विशेष हो जाएगा लेकिन एक साल मजबूती करनी पड़ेगी अब एक साल कैसी मजबूती करनी पड़ेगी इससे क्या हो जाएगा तो सुनो आपने देखा हुआ किसी की हड्डी टूट जाए तो जो हड्डियों के डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं उस हड्डी को जोड़ने जोड़ते नहीं वो उसको बस एक सीध में कर देते हैं एक सीध में कर देते हैं और शरीर अपने आप उसको रिकवर करता है और अपने आप उसको शरीर जोड़ता है स्वयं डॉक्टर नहीं जोड़ते उनका काम है बस एक सीध में करना उनका उन हड्डियों को तो इसी तरह जब आप ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तो जो नुकसान आपको हुआ है वो उसकी भरपाई अपने आप कर लेगा लेकिन एक बात ध्यान से सुनना भाई कौन सी बात है आपने देखा होगा डॉक्टर फिर क्या करते हैं जब किसी की हड्डी टूटी हुई हो तो फिर उसको बेड रेस्ट दे देते हैं जी बेड रेस्ट है इसका यदि ये बीच में इसने उठने की कोशिश की टांग को हिलाने की कोशिश की तो ये टांग ठीक से जुड़ नहीं पाएगी टेढ़ी हो जाएगी और ये फिर खड़ा नहीं हो पाएगा चल नहीं पाएगा तो भाई इस बात का तुमने भी ध्यान रखना है एक साल जबरदस्त ब्रह्मचर्य है और यदि इस दौरान तुमने एक बार भी अस्थमाथुन करने की कोशिश की या मूत्रेंद्री के साथ और किसी प्रकार की कुचेष्टा करने की कोशिश की तो नु मान लेना उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा लाभ जीरो हो जाएगा फिर पीछे से जाओगे बैक जाओगे तो एक साल के परहेज हैं पूरे नियम में रहना है और एक साल के बाद फिर आप गृहस्थ में जा सकते हैं और कब कितनी आयु में पच्चीस साल की आयु में और जिनके अभी पच्चीस साल की आयु नहीं हुई वो तो ब्रह्मचर्य पालन करें एक साल तो कम से कम फिर तो जितना ब्रह्मचर्य पालन करेंगे उतना लाभ ही लाभ है उनको और आप जब गृहस्थ में जाएंगे तो आपको ये जो वैसे तो ये क्रिया संतान पैदा करने के लिए होती है लेकिन आपके मन में जो डर है ना ये सब निकल जाएंगे ब्रह्मचर्य से ब्रह्मचारी होगा जिसने ब्रह्मचर्य पालन किया होगा वो कभी विवाह से नहीं डरता लेकिन आज नौजवान बहुत डरते मेरे पास कल भी फोन आया था जी मेरा एक महीने बाद विवाह है और मेरे शरीर काम नहीं करता अब क्या करूं मैं कल भी फोन आया मैंने कहा अब तो एक महीना ही है अब क्या करें मैंने कहा दो दोनों समय बढ़िया कम से कम आधा लीटर दूध गाय का सुबह आधा लीटर शाम ने उसमें दो चम्मच के घी की डाल खूब डंड मार सबेरे शाम व्यायाम कर व्यायाम करेगा तो तेरा शरीर कवर कर लेगा और अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन कर और उसके बाद भी ये नहीं है कि तू वासनाएं के लिए सब कुछ करता रहे लेकिन तेरे मन में से भय निकल जाएगा डर निकल जाएगा तेरे अंदर एक अलग सा ऊर्जा आ जाएगी उत्साह आ जाएगा इसे एक महीने में ही करने से ये तो सामान्य बात थी लेकिन ऋषियों ने कहा है एक साल ब्रह्मचर्य कम से कम बढ़िया होगा तब आपकी उत्तम संतान होगी श्रेष्ठ संतान होगी तो ये उनके लिए बात है भाई तो मैं आप सब से यही कहना चाहता हूँ ब्रह्मचर्य पालन करो ब्रह्मचर्य पालन करोगे तो जीवन में विशेष आनंद पाओगे और नहीं तो भाई या जिंदगी नुह बर्बाद हो जाएगी जब शरीर की शक्ति शरीर का सामर्थ्य शरीर का ओझ शरीर का तेज शरीर में नहीं रहेगा तो फिर भाई इस गाड़ी इसे कैसे तुम यात्रा करोगे गाड़ी में तेल ही नहीं है तो ये भारी हो जाएगा ये जीवन तुम्हें फिर तो हमारे शरीर का तेल है वो हमारा वीरिय है अब वो इस शरीर में नहीं होगा तो फिर क्या कर पाएंगे हम तो आप एक अच्छे ब्रह्मचारी बने संकल्प लेकर के अपने जीवन की शुरुआत करें और अच्छे ब्रह्मचारी आप बनेंगे तो जीवन में विशेष आनंद की आप प्राप्ति करेंगे विशेष सुख आप भोगेंगे आपका गृहस्थ जीवन भी ब्रह्मचर्य जीवन भी सब बहुत ही अच्छा रहेगा तो ऐसी आप सबसे उम्मीद है भाई लेकिन ये टेंशन नहीं लेनी है परमात्मा ने शरीर ऐसा दिया है रिकवर कर लेगा इसकी भरपाई कर लेगा इसकी पूर्ति कर लेगा लेकिन उसकी औषधियों की भी जो परम औषधि है वो ब्रह्मचर्य है और कोई दूसरी औषधि नहीं है ये डॉक्टर की दवाइयाँ के चक्कर में मत पड़ो इनकी लुटाई मत करो ये तुमने लूट लेंगे अब ना तुम किसी आगे बता सकते जी मेरा गुप्त रोग है कौन सा डॉक्टर के जाओ क्योंकि शर्म आवा ऐसी ऐसी बातें बताते हुए और नौजवान खूब लुट रहे हैं बेचारे खूब लुटे जा रहे हैं इनको द्वारा तो भाई ब्रह्मचर्य पालन करो खान पान ठीक रखो और इसका विशेष लाभ आपको मिलेगा और अपने खान पान में काली उड़द की दाल का प्रयोग कर ले जो काली उड़द की दाल है वो भी आपके ब्रह्मचर्य में विशेष लाभ करेगी धातु का विशेष बढ़ाएगी वो काली उड़ उड़द की दाल साबुत दाल का मतलब छिलके वाली दाल का प्रयोग करें तो यही बात थी भाई आज यह वीडियो मैंने बना दी है और अगली वीडियो भी डालेंगे अगले रविवार को मिलेंगे फिर आप सबसे ठीक है ना और अपना ब्रह्मचर्य का विषय भी रखना है बहुत सी चीज़ें हैं बस करेंगे धीरे धीरे सब तो आज तो भाई यहाँ आ गए थे हम गुरुकुल से बाहर यहाँ टहलने आ जाते हैं यहाँ ये यह जंगल सा है किकरें खड़ी हैं और आज कुछ अतिथि आई हुए थे उधर तो मैं इधर ही आ गया मखा अतिथि सुनेंगे तो बेचारे फटक जाऊँगे के बोलने लग रहा हैं है? तो आप सब ब्रह्मचर्य में रुचि रखे हैं ठीक है ना उतार चढ़ाव जीवन के आते रहते हैं कोई ज़्यादा भड़क लेने की जरूरत तो नहीं है जो बीत गई सो बात गई जो हो गया सो हो गया अब तो नए जीवन की शुरुआत करो पवित्र बढ़िया जीवन की शुरुआत करो ठीक है ना? चलो ठीक है जी धन्यवाद